हमारे प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल इस विशेष कार्यक्रम में हर एक कड़ी में अपनी सेवकाय अनुभवों को भाई मोहन सी लाजरस हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आज आखिरी कार्यक्रम है। पिछले 6 दिनों के कार्यक्रमों को आपने देखा होगा, उससे आपको बहुत खुशी मिली होगी और आपका विश्वास भी बल पाया होगा। आज भाई के एक मुख्य अनुभव के बारे में हम जानने वाले हैं। भाई प्रेज द लॉर्ड। भाई पिछले 6 कार्यक्रमों में आपने हमारे साथ बहुत कुछ साझा किया हुआ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह आपने जो कुछ भी हमें सिखाया वो बहुत ही लाभदायक था। देखने वाले हमारे विश्वासी जनों के लिए, सेवकाय में जो नए हैं उनके लिए और हमारे युवाओं के लिए, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी लाभदायक था। धन्यवाद भाई। चलिए हम एक वीडियो देखते हैं। परमेश्वर, मेरी सिर्फ एक विनती है कि मेरी आखिरी सांस तक मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है। मुझे मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी करनी है। परमेश्वर ने मुझे दिए हुए साथी सेवक को देखिए। परमेश्वर ने जो दोस्त मुझे दिया है उन्हें देखिए। परमेश्वर के सेनापति के रूप में जो प्रभु का जन परमेश्वर ने दिया उन्हें देखिए। ऐसा एक व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने वैसे एक व्यक्ति को मेरे साथ मिलाया। 35 साल जो मेरे साथ रहे उसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पैतीस साल प्रभु परमेश्वर ने इस भाई को, जो एक तरफ मेरे साथी सेवक थे, दूसरी तरफ मेरे भाई थे और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, ऐसे एक इंसान को कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएगा। वो भी मेरी तरह हिंदू पार्श्वभूमि से थे, उद्धार हुआ। उनसे मेरी मुलाकात सबसे पहले पालेम कोट्टे में हुई, एक सभा के बीच में ही उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और फिर कुछ समय उनसे मिलकर प्रार्थना करने का मौका मिला मुझे, और तब से लेकर हमारे बीच में एक अच्छी संगति हो गई। और तब से मीटिंग के लिए प्रार्थना करने को वो आते थे, उनके साथ जॉर्ज ब्रदर आते थे, दोनों ही फ्रेंड थे और वो दोनों ही बैंक में नौकरी करते थे। तो वो दोनों ही जब नाके की प्रार्थना में सबसे पहले आते थे तो लोगों के लिए निजी प्रार्थना करने के लिए वो लोग आते थे। और फिर अप्पा दुराई मेरे साथ ही सेवक बनकर सेवा कार्य करने लगे, मेरी बहुत सहायता की। यूको बैंक में वो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में थे, एक बहुत ही ऊंचे औहदे पर थे। परमेश्वर ने वो नौकरी देकर उन्हें आशीष किया। नागरकुले में जो एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें परमेश्वर ने कहा कि इन्हें एक दिन का संदेश देना होगा। मैंने जब पहले कहा तो उन्हें हिचकिचाहट हुई लोगों के सामने संदेश देने के लिए। तब मैंने कहा, प्रभु कृपा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो वही पहली शुरुआत थी। और फिर उसके बाद हर एक यात्रा में वो हमारे साथ आते थे, बैंक से छुट्टियां लेते थे और सेवकाई करते थे। विदेश यात्रा में सेविका के लिए बहुत बार वो मेरे साथ आए थे। अब देखिए, दो लोग जब आत्मिक रूप से जुड़ते हैं तभी वो एक साथ यात्रा में चल सकते हैं। 35 साल हम लोगों ने मिलकर एक साथ सेवा की है, उसका मतलब है हम दोनों की जो आत्मा है, आत्मिक रूप से हम दोनों एक थे। मैं जो भी उनसे कहता था उस बात को उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाई इस संडे आप यहां संदेश दीजिए, तो वो सिर्फ एक शब्द बोलेंगे, ओके ब्रदर, ठीक है, कभी मना नहीं करते थे। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में वो तो सिर्फ एक ट्रस्टी नहीं थे, फिर क्योंकि वो एक बैंक में काम करते थे, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभालते थे, उसके बारे में अच्छी सलाह देते थे कि सेवकाई में पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे मेंटेन करें, वो सब वही देखते थे, सब कुछ वही संभालते थे। मैं नहीं होता तब भी ऑफिस में जाते थे, घंटों बैठते थे, ऑफिस के कार्य, अकाउंट्स के कार्य सभी वही संभालते थे और एक तरफ अपनी प्रार्थना में बने रहते। परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ी कृपा दी थी, चाहे शैतान कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो उनके सामने टिक नहीं पाता था, तो उसके विषय में आत्माओं को जांचने का जो उन्हें वरदान मिला था वो बहुत ही सामर्थ्य था। तो एक आत्मा को देखकर वो जान जाते थे कि ये कैसा है, कहां से आया और किस कार्य से आया, वो किस प्रकार की आत्मा है, ये प्रभु उन्हें व्यक्त कर देते थे। इसलिए जाकर वो शैतान से बात नहीं किया करते थे, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, ऐसा नहीं, परमेश्वर बता देते थे और बोलते वो दुष्टात्मा भाग जाती थी। तो ये मेरा अनुभव है। तो मेरी प्रार्थना में जो दुष्टात्मा ग्रस्त आता था तो मैं उनके पास भेजता था कि उन्हें ब्रदर के पास ले जाओ।
तो विशेष रूप से उन्हें एक खास अभिषेक और कृपा मिली थी, और जो वचन है उसे सिर्फ जानकर संदेश नहीं देते थे पर उनके लिए घंटों तक प्रार्थना भी करते थे। यहां तक मैं मानता हूं एक संदेश को तैयार करने के लिए प्रातःकाल 2-3 तक बैठकर उसे तैयार करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल कॉलेज की पढ़ाई नहीं की थी, बस प्रभु के चरणों में पढ़ाई की थी। तो जब वो वचनों का अर्थ समझाते थे तो वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होता। भाई विंसेंट सेल्वकुमार तक भी कहते थे कि भाई आपका जो संदेश है वो बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। तो ये उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। उसके लिए वो रात भर जागे रहते थे, प्रातःकाल 2-3 बजे तक वो एक संदेश की तैयारी करते थे। तो इसके लिए हमारे बीच में किसी भी कार्य को लेकर सेवा कार्य में कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। वो जब भी कोई सलाह देते थे मैं मान लेता था, वो सही होता था, उनका कहना मान लेता था, और जब भी मैं कहता था तो वो मान लेते थे। तो किसी भी कार्य में किसी भी चीज को लेकर हमारे बीच में डिस्प्यूट नहीं हुआ। इतने साल हुए, 35 सालों में कोई समस्या नहीं थी। तो उतनी हद तक आत्मा में एक समझ थी। मैं समझता था कि उनसे क्या कहा जाए क्या नहीं, और वो भी जानते थे मुझ तक कौन सी बात लानी है और क्या नहीं। तो इस तरह के संगति का आशीष सबको नहीं मिलता। कईयों ने तो उनसे कहा, आप भी तो बहुत बढ़िया संदेश देते हो, आपके द्वारा भी तो चमत्कार होते हैं, तो आप मोहन लाजरस के साथ क्यों हो, अपनी अलग सेवकाई क्यों नहीं शुरू कर देते। ऐसा भी होता था, और वो आकर मुझे भी बताते थे कि लोग मुझसे ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आखिर तक मुझे लोन लाजरस के साथ ही रहना है, उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, बस उतना ही। और इस भाई जी को बतनी है, वो भी बढ़िया सेवकाई करती हैं, मिशनरियों को तैयार करना और सभा का आयोजन करना। पर भाई कहते वो तुम्हारी सेवकाई है, मेरे तो यीशु छुड़ाता है सेवकाई है। भाई उनसे ऐसा ही कहते थे और हमें ही प्राथमिकता देते थे। बहन कई सेवकाई से जुड़ी है, आज भी वो सेवकाई करती है। भाई उन्हें सलाह देते थे और सहायता भी किया करते थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैं यीशु छुड़ाता है सेवकाई से जुड़ा हूँ, यही पर प्रभु ने रखा है। तो वैसा सहयोग करते थे वो। विदेश यात्रा के लिए जब भी हम लोग जाते थे, जहाँ पर सभा होती थी, हम दोनों को ही अलग अलग करके दान मिलते थे, वो सब लाकर मेरे हाथों में रखते और चल देते। ना ही मनी माइंडेड थे, पैसों की जरा भी इच्छा नहीं थी उन्हें, और इन्हीं सब कारणों से हम लोग अब तक सेवकाई कर पाते थे। हम दोनों के विचार समान थे, हमारा लक्ष्य एक था, परमेश्वर की महिमा करनी थी और यीशु की इच्छा पूरी करनी थी, और उसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था। बस एक ही लक्ष्य था, यीशु यीशु यीशु, उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए हम लोग दोनों एक साथ यात्रा कर पाए। इसीलिए उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे सेवकाई में भी ऐसे कई हैं जिनकी मृत्यु पर अफसोस हुआ है, उनसे बहुत ही प्रेम करता था, पर उन चीजों ने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। जैसे हमारे पास्टर यसन्ना, हम दोनों ने साथ में मिलकर सेवकाई की है, उनकी मृत्यु और फिर भाई डीजीएस की मृत्यु, क्योंकि साल में एक बार हम मिलकर बातें करते, एक पिता के समान वो बातें करते थे। आज भी मुझे अफसोस है, आज तक वो बात मुझे प्रभावित करते हैं, पर इस भाई की मृत्यु ने बहुत प्रभाव डाला है। मेरे साथ ही रहते थे, सेवकाई को साझा करते, मेरे बोझ को साझा करते, कई कार्यों में कहते आप रहने दो ब्रदर, मैं इसे संभालूंगा, फिर वही उसे संभाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, उनके समान सहायता करने वाला और कोई नहीं रहा। जैसे पौलुस तिमोथियुस के बारे में कहते हैं कि उनके समान तुम लोगों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो उनके समान साथी सेवक मेरे प्यारे भाई एक परिवार के सदस्य समान ही हमारी संगति बनी रही। तो प्रभु ने उनके समान एक इंसान दे मुझे देकर बहुत बड़ा आशीष दिया। पर उनकी जो मृत्यु है वो स्वर्ग के लिए खुशी की बात है, प्रभु के राज्य में अब वो है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी हानि है। आज भी कई बार जब मैं विदेश सेवकाई के लिए जाता हूँ तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मेरी सेवकाई बहुत ही आसान हो जाती थी जब वो साथ रहते, संदेश देने और प्रार्थना करने में सहयोग देते। तो इसलिए उनकी मृत्यु बड़ी हानि है, पर वो जो 35 साल हमारे साथ रहे इस सेवकाई के लिए, वो प्रभु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेंट था। और उनकी जगह में अब बहन जी सेवकाई में सहयोग देती है, भले उनकी अपनी सेवकाई है पर हमारे साथ जुड़कर वो संदेश देती हैं, हर एक कार्यक्रम में भाग भी लेती है। टीवी पर या सभा में संदेश देना हो तो बिना मना किए ठीक है ब्रदर कहकर आ जाती है। उनकी बेटी शीबा हमारी सेवकाई से बहुत प्रेम करती है, प्रार्थना करती है। उस पूरे परिवार के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। आपके साथ रहकर बहुत ही सहायक रहे, और उस भाई ने आपके साथ रहकर हमेशा कंधे से कंधा मिलाया है, वैसा ही एक साथी देकर प्रभु ने आपको बल दिया था, बहुत ही बड़ी बात है। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-45-45. Email
info@jesusredeems.org, our website www.jesusredeems.com. God bless you.